जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। दोस्तों हाल ही में 5 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो है वो घोषित किए गए हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना राज्य आते हैं। इन सभी के चुनावों के परिणाम के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनने की जो व्यवस्था वो चल रही है, जिसमें हम देखें मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो लाल दुहुमा जी बने हैं। याद रखिएगा, लाल दुहुमा जो हैं ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। यदि हम मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये 6वें मुख्यमंत्री हैं मिजोरम की। अगर हम 6वें मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 53वें संविधान संशोधन के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पर मिजोरम की व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है। यह संशोधन जो है दोस्तों ये 1986 में हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप 20 फरवरी 1987 को 23वें राज्य के तौर पर हम मिजोरम के अस्तित्व को देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो मिजोरम का हिस्सा है दोस्तों, ये पहले असम में था। असम जो है इसमें एक पर्वतीय स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर आप मिजोरम को पहले देखते हैं, और इसका पहला नाम मिलता है दोस्तों लुशाई हिल्स, मतलब ये लुशाई हिल्स के तौर पर यहाँ जाना जाता था, असम का हिस्सा रहा है। आगे चलकर हम देखें 1954 में हम देखते हैं तो इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम लुशाई हिल से बदलकर मिजो हिल कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्या था इसका पहला नाम, तो पहले इसका नाम मिजो हिल था, जो कि एक पर्वतीय स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर असम में था और असम के एक जिले के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है। और 53वें संशोधन के माध्यम से जो 1986 में लाया गया था, 20 फरवरी 1987 को 23वें राज्य के तौर पर मिजोरम को स्थापित किया गया है। अगर हम मिजोरम की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मिजोरम म्यांमार से प्लस बांग्लादेश से मिलता है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। और अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो इसकी एक तरफ सीमा मिलती है दोस्तों त्रिपुरा से, एक तरफ सीमा मिलती है इसकी असम से, और एक तरफ सीमा मिलती है इसकी मणिपुर से। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर इसके उत्तर पूर्व में है, असम इसके उत्तर में है, और दक्षिण पश्चिम में इसके त्रिपुरा दिखता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी छूता है। और इधर हम मिजोरम को देखें तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर से भी ये जुड़ा हुआ है। मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल है, आइजोल जो है वो इसकी राजधानी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम इसके राजकीय पक्षी की बात करें, पक्षी जो है दोस्तों वो है तीतर, तीतर धारीदार पूंछ वाला तीतर जो है वो इसका राजकीय पक्षी है। और सिरो, सिरो जो है वो यहाँ का राजकीय पशु के तौर पर हमें दिखाई पड़ता है। मिजोरम दोस्तों लगभग 85.4% वन क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से दोस्तों राज्य है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर वन क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें तो 85.4% के साथ मिजोरम प्रथम पे है। 91.58% के आसपास यहाँ पर हमें साक्षरता देखने को मिलती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मिजोरम की साक्षरता कितनी है, 91.58% यहाँ पर हमें साक्षरता देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें दोस्तों लिंगानुपात की हम बात करें तो 975, 1000 पुरुषों पर 975 महिलाएं मिजोरम में है, मतलब लिंगानुपात की दृष्टि से भी ये हमें अच्छा दिखता है। उत्तर पूर्वी भारत का एक इंपॉर्टेंट राज्य है मिजोरम, जो कि हमें 1987 में अस्तित्व में दिखाई पड़ता है। अगर हम लाल दुहुमा की बात करें, जिन्होंने नवीनतम मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो ये जोरम पीपल्स मूवमेंट, याद रखिएगा यहाँ की जो एक क्षेत्रीय पार्टी है उसका नाम है जोरम पीपल मूवमेंट। तो जोरम पीपल मूवमेंट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ZPM कह सकते हैं, जोरम पीपल मूवमेंट, इसके कहीं ना कहीं नेता है कौन, लाल दुहोमा जी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल दुहोमा, जिन्होंने हाल ही में मिजोरम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, ये कौन सी पार्टी के हैं, ZPM पार्टी के नेता हैं, ये यहाँ की स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है, ये ध्यान रखें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में इस वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये भी याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड जो है
वो निवेश के नए केंद्र के तौर पर उभरे। निवेश जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है दोस्तों। किसी भी क्षेत्र में अगर निवेश बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो उस क्षेत्र की इकोनॉमी जो होगी वो बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि निवेश के कारण वहां पर नए उद्योग लगते हैं, नए उद्योग के कारण लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है, वो एक आयात निर्यात की दृष्टि से सेंटर भी बन जाता है और इकोनॉमिक दृष्टि से वो उभर कर निकलने वाला क्षेत्र होगा। इसलिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत के अलग अलग राज्य अपने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट करते हैं। वैसे ही एक प्रकार का समिट जो है वो हाल ही में उत्तराखंड में हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस अवसर पर मोदी जी ने एक और काम किया है, हिमालयन ब्रांड, याद रखिएगा कि हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड, ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड नाम का जो एक बोल सकते हैं कि कंपनी है, वो ब्रांड किसने लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसको मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो दोस्तों एडवांस बोल सकते हैं कि एआई पर आधारित जो मॉडल है वो लॉन्च किया है किसने, बोल सकते हैं कि अल्फाबेट ने, और इस मॉडल का नाम है जेमिनी। जेमिनी नाम का ये मॉडल जो है वो लॉन्च किया है किसने, बोल सकते हैं गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, अल्फाबेट। ठीक है, और इसने कौन सा, किस पर आधारित, एडवांस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम क्या दिया है, जेमिनी दिया है। दोस्तों याद रखिएगा कि एआई पर आधारित जो एक प्रकार से बोल सकते हैं एडवांस एआई पर आधारित जो अभी सबसे बेहतर व्यवस्था है ना, वो चलती है दोस्तों ओपन एआई, है ना। ओपन एआई जो है ये पहले से चलने वाली व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इसको टक्कर देने के लिए ही जेमिनी को लॉन्च किया है गूगल ने। ये ध्यान रखिएगा, जब हम गूगल की बात करते हैं दोस्तों, तो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो जेमिनी को तैयार किया गया है। गूगल एक इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों, जिसका मुख्यालय जो है वो मॉन्टेन, बोल सकते हैं माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, और गूगल की एक कंपनी के तौर पर स्थापना दोस्तों 1998 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गूगल जो एक सर्च इंजन के तौर पर भी काम करता है, ये कब स्थापित हुआ, 1998 में इसकी स्थापना हुई, और इसके जो सीईओ है दोस्तों वो सुंदर पचई है। सुंदर पिचाई जो है दोस्तों वो 2015 से इसके लगातार सीईओ के पद पर काम करने वाले हैं। और अगर हम इसके संस्थापक की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गूगल के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखेंगे लेरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये गूगल के संस्थापक हैं। गूगल दोस्तों इसकी कुछ और कंपनियां भी हैं, जैसे हम बात करें पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, उसी का एक मॉडल क्या है, गूगल है। इसके अलावा यूट्यूब, फायरबेस, फिटबिट, ये भी इसकी सहायक कंपनियों के तौर पर आपको देखने को मिलेगी, किसकी, गूगल की, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। तो गूगल दोस्तों आज आपको कुछ भी चाहिए होता तो आप तुरंत करते हैं गूगल, ठीक है, जिससे आपको सभी चीजों की जानकारी मिल जाती है तुरंत। ठीक है, चलिए, तो ये गूगल की हम लोगों ने बात की और जेमिनी समझ गए, अल्फाबेट ने एडवांस एआई मॉडल पर आधारित ये सिस्टम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई जो है उसने लगातार 5वीं बार लगभग 6.7% पर रेपो रेट को बनाकर रखा है दोस्तों। जो रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट ढूंढो, याद रखिएगा कि वो रेट होती है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अपने यहाँ की अन्य बैंकों को ऋण देता है। जैसे हमारे देश में बात करें एसबीआई जैसी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी, कई सारे बैंक हैं जिनको हम कमर्शियल बैंक के तौर पर जानते हैं, ये जो बैंक है वाणिज्यिक बैंक है, इन बैंकों को कभी कभी अपनी जरूरत के हिसाब से आरबीआई से लोन लेना पड़ता है। तो जब आरबीआई इनको लोन देगा तो जिस ब्याज दर पर लोन देगा वो बैंक बोल सकते हैं रेपो रेट होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीआई जो होता है इन बैंकों से पैसा लेता है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये ध्यान रखिए, इकोनॉमी के टर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये रेपो रेट की हम लोगों ने बात की। अच्छा, रेपो रेट काम क्या आता है, तो रेपो रेट हो रिवर्स रेपो रेट हो, ये दोस्तों काम आता है मुद्रा की तरलता को कंट्रोल करने के लिए। मार्केट में मुद्रा के फ्लो को बढ़ाना हो या मार्केट में मुद्रा के फ्लो को कम करना हो, तो आरबीआई के पास जो यंत्र होते हैं वो यही होते हैं। क्या होते हैं, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। इसके अलावा सीआरआर और एसएलआर भी ऐसे कहने के उपक्रम है किसके पास, आरबीआई के पास, जिसके माध्यम से आरबीआई मार्केट में पैसे की मात्रा को, जिसको हम तरलता कहते हैं, मुद्रा की तरलता कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर मुद्रा की तरलता बढ़ानी है
तो फिर इसके दर को कम कर दिया जाता है, और मुद्रा की तरलता कम करनी है तो इसकी दर को बढ़ा दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुद्रा की तरलता किसको इंपैक्ट करती है, मुद्रा की तरलता मतलब मार्केट में पैसे की मौजूदगी, कितनी मात्रा में पैसा मार्केट में मौजूद है उसको हम मुद्रा की तरलता कहते हैं। इसको नियंत्रित क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे मुद्रास्फीति को या महंगाई को प्रभावित करती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई इनका प्रयोग करती है टूल्स के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मोम की प्रतिमा उसका अनावरण हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किया गया है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो याद रखिएगा कि टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो टेलर स्विफ्ट को बोल सकते हैं कि नामित किया गया है, और ये एक प्रसिद्ध संगीतकार है इसीलिए इनको दिया गया है। अगर हम 2022 में बात करें तो 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है दोस्तों वेलोडी मिर जेलेंस्की, आप इनको जेलेंस्की के नाम से जानते हैं, तो 2022 में जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था, जबकि 2023 में हम देखें तो टेलर स्विफ्ट को संगीतकार इनको नामित किया है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव के निर्णय जो आए हैं उनमें तेलंगाना राज्य में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली है, जिसके बाद यहाँ पर कांग्रेस का ही एक प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनका नाम है दोस्तों अनुमुला रेवंत रेड्डी। अनुमुला रेवंत रेड्डी को यहाँ पर कांग्रेस ने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया है, और इनको शपथ दिलाई गई है तमिली साई सुंदर राजन, ये तेलंगाना के राज्यपाल है, और इन्होंने ही तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। तेलंगाना के दोस्तों ये दूसरे मुख्यमंत्री, इसके पहले हम देखें तो के चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे। तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वें राज्य के तौर पर स्थापित किया गया था, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। इनको शॉर्ट में आप केसीआर के नाम से जानते हैं, तो केसीआर जो है वो लगातार 2014 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर थे, परंतु इस बार एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पूरा तख्ता पलट दिखाई पड़ता है, कांग्रेस ने अच्छी यहाँ पर बढ़त हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ पर दिखाई पड़ते, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मनाया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नासा के मार्स ऑर्बिट को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो दोस्तों मंगल के लिए जो मिशन चल रहा है मार्स रोवर को ऑपरेट करने के लिए अक्षता कृष्णमूर्ति को चुना गया है, और ये पहली महिला बन गई है ऐसा करने वाली। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है, तो ध्यान रखिएगा कि टाइम मैगजीन एक प्रतिष्ठित मैगजीन है अमेरिका की, जो हर साल अलग अलग क्षेत्र में पर्सन को चुनती है, इन्होंने सीईओ ऑफ द ईयर के तौर पर सैम ऑल्टमैन को चुना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा लियोनेस मेसी जो है उनको 2023 में एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पर भी चुना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, दोस्तों तो याद रखिएगा भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय ने भारत में सभी गांवों को अलग रूप से प्रेजेंट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए, और भारतीय संस्कृति को एक विशेष तौर पर प्रदर्शित करने के लिए ये पहल शुरू की है, जिसके तहत गाँव जो है दोस्तों उनका मानचित्रण का काम किया जा रहा है, प्लस उनका दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, और ये सारा का सारा काम जो कर रहे हैं दोस्तों ये डिजिटली कर रहे हैं, ताकि आपको किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र या मुद्दे से संबंधित व्यवस्था को तुरंत ही ऑनलाइन हासिल कर सकें। और इस पूरे प्रोग्राम को नाम दिया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसमें अगर आप गांव के मानचित्रीकरण की बात कर रहे हैं, दस्तावेजीकरण की बात करें, तो उस गाँव में क्या फेमस है, वहाँ का क्या त्यौहार है, क्या खाना है, क्या सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी यहाँ पर डिजिटली आप मेंटेन करेंगे, जिससे कि पूरे भारत में उस गांव की संस्कृति के बारे में सबको जानकारी मिल सके। तो एक प्रकार से अच्छी पहल है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। दोस्तों अभी तक हमने प्रश्न देखे, अब प्रश्नों के बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि हाल ही में करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं, और ये ऐसे टॉपिक है जिनको क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पर लेकर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो यहां पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये जो टॉपिक हम करेंगे ये प्री तो ठीक है, लेकिन मेंस के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे पहला टॉपिक है कि
इथेनॉल हेतु गन्ने के रस के उपयोग पर प्रतिबंध। दोस्तों गन्ने के रस का प्रयोग जो इथेनॉल बनाने में हो रहा था, इसको लेकर अभी सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके माध्यम से इस पर प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब इथेनॉल बनाने के लिए अब गन्ने के रस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखें चर्चा में क्यों रहा। तो इंडियन शुगर मिल्स जो एसोसिएशन है, इसने 2023-24 वर्ष के लिए जो चीनी का उत्पादन है उसमें 9% कमी का अनुमान लगाया। अब जैसे ही इस इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि भाई हमारे देश में चीनी का उत्पादन लगभग 9% तक कम हो जाएगा, इसको लेकर भारत सरकार के मन में चिंता आई। क्या? क्योंकि चिंता इसलिए कि अगर आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है तो मार्केट में चीनी की सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो कहीं ना कहीं डिमांड ज्यादा होने के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका होगी। तो सरकार ने कहा कि चीनी के मूल्यों को स्थिर रखा जाए, महंगाई बढ़ने से रोका जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि जो गन्ने का रस चीनी बनाने में उपयोग होना चाहिए उसको उसी में लगाओ, एथेनॉल बनाने में अगर उस गन्ने के रस को लेकर जाओगे तो चीनी का उत्पादन कम होगा जिसके कारण महंगाई बढ़ सकती है। और देखिए 2024 में चुनाव आने वाले हैं तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि दाम बढ़े, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वोटों पर पड़ सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है जिसके चलते सरकार ने कहा कि घरेलू खपत को पूर्ति करने के लिए, चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए, उसके मूल्यों को स्थिर बनाए रखने के लिए चीनी के उत्पादन पर बल दिया जाए, जिसके लिए गन्ने का रस का प्रयोग दूसरी जगहों पर ना किया जाए। साथ ही साथ ये भी किया गया कि सरकार ने हाल ही में एक निर्णय भी लिया था कि चीनी का जो निर्यात है वो भी नहीं किया जाएगा, दूसरे देशों को चीनी का निर्यात की सीमा भी सरकार ने लगा दी है दोस्तों, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा चीनी जो रहेगी वो देश में ही रहेगी और इसके दाम स्थिर हो जाएंगे। तो ये सरकार ने निर्णय लिया है। अगर हम चीनी के उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो भारत विश्व में 2021-22 के समय पर हम देखें तो अग्रणी रहा है चीनी के उत्पादन में, शक्कर के उत्पादन में। दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ब्राजील हो चाइना हो सबको हमने पीछे कर दिया 2021-22 के समय में देखें। लेकिन उत्पादक तो है ही हैं हम, लेकिन हम उपभोक्ता भी हैं। देखिए हमारी अच्छी क्वालिटी है, जितना हम बनाते हैं उससे ज़्यादा हम खाने की सोचते हैं, तो खाया भी कई सारा है। और इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला कि उपभोक्ता हम बड़े हैं, उत्पादन के साथ साथ हम उपभोक्ता बड़े हैं, इसलिए हम चीनी के निर्यात के मामले में देखें तो सेकंड नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर ब्राजील का नाम आता है। ब्राजील जो है वो दुनिया में गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से सबसे आगे है दोस्तों। तो ऐसे में चीनी के उत्पादन में भी ब्राजील हमें आगे दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि चीनी उद्योग के लिए गन्ना जो है वो प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हुई कि क्यों ये चर्चा में रहा, लेकिन यहां पर वर्ड आया है इथेनॉल। दोस्तों इथेनॉल जो है एग्जाम में आ सकता है, या तो ये आ सकता है कि इथेनॉल कहां से प्राप्त किया जा सकता है, या ये आ सकता है कि इथेनॉल होता क्या है, और अगर मेंस की दृष्टि से आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसके उपयोग भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां देखिए इथेनॉल क्या है, तो ये एक जल रहित एथिल एल्कोहल है। क्या है? एक एल्कोहल है ये, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसको भी रट लीजिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये फॉर्मूला ऐसा कैसा पूछ ले। स्रोत क्या है? स्रोत है या तो आप गन्ने से इसको प्राप्त करते हैं, या आप मक्के से इसको प्राप्त करते हैं, या आप गेहूं से इसको प्राप्त करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में पराली जलाने का मुद्दा बहुत उठा, जिसके कारण दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल बहुत ज्यादा हो गया और डेंजर स्थिति में वहां पर पहुंच गए थे। यहां तक ये स्थिति आ गई कि आप प्रदूषण की दृष्टि से वहां पर इमरजेंसी भी लगा सकते थे अगर वहां पर स्थिति कंट्रोल में नहीं होती। भला हो कि बारिश हो गई पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसकी वजह से पॉल्यूशन मेंटेन हुआ। लेकिन यह समझिए कि जो दिल्ली की प्रॉब्लम दिखी उसमें यह कहा जाता है कि जो यूपी के क्षेत्र है, आसपास के हरियाणा है, पंजाब है, यहां पर पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। तो यहां पर नितिन गडकरी जो देश में परिवहन क्षेत्र के मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसका प्रयोग करके क्या बनाएंगे, इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे और इससे एनर्जी को प्रयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं गन्ना हो, मक्का हो, गेहूं हो, इनके माध्यम से आप इथेनॉल को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जिन भी चीजों में स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वहां से आप इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसका उत्पादन कैसे होता है वो देखें दोस्तों, तो भारत में मुख्य रूप से देखें तो किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से सड़ा गला के, किसको, गन्ने के रस को आप इसको प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग काय में करते हैं दोस्तों, याद रखें कि इसका प्रयोग डायरेक्टली नहीं होता है, मिश्रित उत्पाद के तौर पर इसका प्रयोग होता है। इसमें गैसोलीन मिलाया जाता है, गैसोलीन जब इसमें मिला देते हैं तो इसको डायरेक्टली प्रयोग आप कर सकते हैं, उस अवस्था में ये आपको मिल जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इथेनॉल का अगर प्रयोग करना है तो उसे किसके साथ मिश्रण करके प्रयोग किया जा सकता है, तो गैसोलीन के साथ इसका मिश्रण किया जाता है और एक मिश्रित पदार्थ के तौर पर इसका यूज होगा। यूज का अगले करेंगे तो देखिए कि इथेनॉल जो है इसमें आपको ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं। यदि ऑक्सीजन के अणु मिल रहे हैं, सबको पता है कि आग जलाना है
तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत होगी, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती। जब इसमें ऑक्सीजन के अणु हैं तो जिसके कारण जलने की जो व्यवस्था है, ज्वलन क्षमता इसकी जो है वो ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिला दिया जाता है। एक निश्चित मात्रा में इथेनॉल को अगर पेट्रोल में मिलाएंगे तो पेट्रोल की जो ज्वलनशीलता वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण पेट्रोल 100% जल के खत्म हो जाएगा और क्या कम होगा, पर्यावरण में प्रदूषण की कमी हो जाएगी। तो पेट्रोल की जो दहन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इसमें इथेनॉल मिला दिया जाएगा। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आप पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। 1 लीटर पेट्रोल में अगर आप 5% इथेनॉल मिलाते हैं, इसका मतलब आपका पेट्रोल का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। मतलब ये कि आपके पास पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको आयात भी कम करना पड़ेगा। देखेंगे क्या स्थिति है उसकी। यहां पर देखिए इथेनॉल का सम्मिश्रण कार्यक्रम, एथोनल का ब्लेंडेड पेट्रोल EBP कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च किया है। हालांकि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो 2003 में ही रखी जा चुकी थी। 2003 में कब, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर थे, उन्होंने ही भविष्य के भारत में पेट्रोल की जो क्षमता है उसको देखते हुए एथेनॉल के प्रयोग पर एक कार्यक्रम तैयार कर लिया था। और इस कार्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दी गई थी। तो भारत के बोल सकते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2003 में ही इसकी रूपरेखा बना ली थी। लेकिन 2004 से कांग्रेस की सरकार आई और इस क्षेत्र में खासा ध्यान नहीं दिया जा चुका, जिसके कारण ये चीजें जो है वो लटक कर रह गई थी। बाद में क्या हुआ कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लेकर आए आप, और जैव ईंधन जब लेकर आए जिसमें आपने ऑर्गेनिक चीजों को बढ़ावा देने की बात की, तो उसमें 2018 में जब ये नीति लेकर आए तो उसमें इथेनॉल के प्रयोग को भी शामिल किया गया। इथेनॉल के प्रयोग के अनुरूप ही इस नीति को तैयार किया गया था। मतलब ये कि अगर आपका इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम है तो ये इस राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अनुरूप ही है। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति कब आई, तो 2018 में लेकर आई थी मोदी सरकार। ठीक है, अब अगर आप इथेनॉल का प्रयोग कर रहे हैं तो कितने प्रतिशत, तो इस नीति के तहत, इस राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत जो 2018 में आई थी, 5% बायो इथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में किया जा सकता है। कितना, 5%। बोला गया कि इसको बाद में बढ़ाकर 2022 तक कितना करने का था, 10%, और 2030 तक इसको बढ़ाकर 20% करने की व्यवस्था भी इस नीति में रखी गई, जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में आई थी। और ये इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम वर्तमान में देखें कि ये नीति कहाँ कहाँ है, तो पूरे भारत में ये नीति जो है ये लागू की गई है और पूरे भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, बस एक जगह को छोड़कर। अंडमान निकोबार में ये नहीं चलता। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भारत के कितने राज्यों में चलाया जा रहा है, तो संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है। कहां नहीं चलाया जा रहा है, तो अंडमान निकोबार में इसको लॉन्च नहीं किया गया, ये याद रखिएगा। तो ये तो बात है इथेनॉल की। अब देखिए कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, भारत जो है वो अपने 80% पेट्रोल के लिए आयात पर निर्भर होता है। हम सऊदी अरब को देखते हैं तो हम सबसे ज्यादा पेट्रोल मंगाते हैं, इसके अलावा हम ईरान से, इराक से भी हमारा पेट्रोल मंगाते हैं, रूसिया से भी मंगाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि जो आयातित पेट्रोल है वो हमारा 80% आवश्यकता निर्भर है। तो अगर हम इस निर्भरता को कम करें तो कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पेट्रोल हम बुलाते हैं उसमें 5% तक, धीरे धीरे कितना बोला 10% तक, और धीरे धीरे कितना बोला 20% तक, इसमें अगर इथेनॉल मिला देते हैं तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी और 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार से हमारी जो आयात की क्षमता है उसको कम करने की अवस्था में जाएगा। अगर पेट्रोल का आयात कम करोगे तो विदेशी मुद्रा भी बचेगी, इकोनॉमी को सबलता मिलेगी, तो एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। दूसरी बात है कि इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उत्पादकों को प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, हाइड्रोकार्बन हो, इसके उत्सर्जन में कमी होती है। किसके कारण, इन चीजों के प्रयोग के कारण। तो याद रखिएगा कि एक प्रकार से आपके इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है ये चीज, और आपकी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। दोनों आवश्यकताओं के चलते आप इथेनॉल के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है आपका तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। दोस्तों, तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया गया है। ये प्रस्तावित है, लगभग 900 करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ पर खर्च किया जाएगा और विद्यालय बनाया जाएगा, जिसका नाम सम्मक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा। दोस्तों, तेलंगाना के मुलुगु जिले में इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला टॉपिक है हनुका। दोस्तों, हनुका क्या है, हनुका एक फेस्टिवल है।
हनुका क्या है? एक फेस्टिवल है, 8 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है और यहूदी लोगों का ये फेस्टिवल है। तो हनुका फेस्टिवल का संबंध किससे है? यहूदी लोगों से है। 8 दिन तक ये चलता है। इसे आप प्रकाश के त्योहार के तौर पर भी जानते हो और इसे आप चानुका भी कहते हैं। तो चानुका हो या प्रकाश का त्योहार हो, ये दोनों किसको कहा जाता है? हनुका को कहा जाता है। और 7 दिसंबर 2023 से सूर्यास्त के बाद से ये मनाना शुरू भी हो गया है। 8 दिवसीय अवकाश का ये कार्यक्रम पूरा दिखेगा। अब ये क्यों मनाते हैं? तो देखिए कि जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में थोड़ा सा तेल डाला जाता है और थोड़े से तेल का चमत्कार होता है रोशनी। तो जिस प्रकार से दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर आप रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अंधकार को समाप्त कर सकते हैं, उसी चमत्कार को, उसी प्रकाश के प्रतीक के जश्न के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि आप जब आप पश्चिम के मध्य देशों में बात करें तो वहां पर एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था मैकाबिन विद्रोह। इस समय एक दिन के लिए ही पर्याप्त तेल के बावजूद, मतलब इनके पास तेल एक दिन का था, इसके बावजूद मंदिर में मोनोराह कैंडल ब्रह्म का मतलब जो ज्योत जलाने की स्थिति होती है, कैंडल ब्रह्म जो होता है उसको 8 दिन तक प्रकाशित किया जाता रहा। इसी घटना को याद करते हुए ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, कहाँ किसका है? यहूदियों का त्योहार है ये, 8 दिन तक होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि। दोस्तों बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि अभी 6 दिसंबर को थी, पूरे देश में इनको श्रद्धांजलि दी गई, याद किया गया। अंबेडकर जी के योगदान को हर कोई व्यक्ति जानता है कि क्या योगदान रहा है, लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं जो 100% एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से बाहर कोई फैक्ट नहीं आएगा। जैसे प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को उनका पुण्यतिथि मनाते हैं और इस पुण्यतिथि को हम महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा कि किस व्यक्ति के पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता? तो अंबेडकर जी के। और महापरिनिर्वाण क्या है? तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में जब हम महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ, तो उनके देहांत की उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। चूंकि अंबेडकर जी ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और इनकी विद्वता भी थी, इसलिए इनके पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर जाना जाता है। अब ये परिनिर्वाण क्या है? परिनिर्वाण एक संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ है मृत्यु के बाद मोक्ष या मुक्ति। मृत्यु के बाद मोक्ष या मुक्ति के लिए परिनिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह संस्कृत का शब्द है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इसका मतलब एक महान व्यक्ति का परिनिर्वाण या उन्हें मृत्यु के बाद क्या मिलेगा? मोक्ष मिल जाएगा। वैसे ही शब्द यहाँ पर अंबेडकर जी के लिए भी किया गया है। अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, जिसे हम अंबेडकर नगर के नाम से अब जानते हैं। मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। तो मध्य प्रदेश के महू में जन्म हुआ और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। संविधान सभा में सदस्य के तौर पर चुने गए, चुनाव हुआ था बंगाल से, लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ, बाद में जब आप बंगाल को अलग देखते हैं, बोल सकते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो बंगाल जो था वो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान था पूर्वी, इस वजह से बाद में इनका दोबारा से चुनाव हुआ मुंबई से। तो पहले बंगाल से चुने गए थे, विभाजन के बाद ये चुने गए थे कहाँ से? बंबई से चुने गए थे। ठीक है, 1927 में इन्होंने निम्न जाति के लिए महार सत्याग्रह भी किया था। तो एग्जाम में पूछेगा कि महार सत्याग्रह का संबंध किससे है? महार सत्याग्रह जो है वो 1927 में अंबेडकर जी के नेतृत्व में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन की हम बात करते हैं तो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में तीन हुए थे। इन तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति जो है वो अंबेडकर थे। 1932 में जब रेमजे मैकडोनल्ड ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड जिसको हम कहते हैं, उसका एक आदेश निकाला जिसके माध्यम से भारत में दलित और आदि वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात हो रही थी, जिसके कारण भारत कहीं ना कहीं अलग अलग जातियों के माध्यम से कई टुकड़ों में बंट सकता था, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर। तो कहीं ना कहीं ऐसे संकट ना आ जाए, उस मैकडोनल्ड अवार्ड का गांधी जी ने विरोध किया और अंबेडकर उसके पक्ष में थे। तो इस संदर्भ में गांधी जी जो थे वो पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए, अनशन पर बैठे। बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता उसी यरवदा जेल में, इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। और इस पूना पैक्ट में गांधी जी ने रिजर्वेशन की बात की, जहां पहले प्रांतीय विधान मंडलों में दलित लोगों को 71% आरक्षण था, मतलब 71 सीटों पर आरक्षण था, उसे बढ़ाकर 147 कर दिया गया और सेंट्रल लेवल पर 18% आरक्षण की यहां पर व्यवस्था की गई, जो कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच
में बात तय हुई थी। इसे पूना पैक्ट के नाम से आप जानते हैं, गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, 1942 में आए जब कृष्ण मिशन फेल हो गया था, तो अंबेडकर जी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मामलों के जानकार के रूप में सदस्य के तौर पर चुना गया था। 1946 में अंतरिम सरकार बनी और आजादी के बाद जब भारत की स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी उसमें अंबेडकर जी विधि मंत्री बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 जो संविधान का रहा, इसे संविधान की आत्मा भी अंबेडकर ने कहा है। और 370 आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जब हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी थोड़ी देर पहले आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर जो भी रोक होनी थी सबको नदारद कर दिया है। 370 को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये कैंसल नहीं हो सकता, इस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने आज ही दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं दलील ये भी दी गई थी कि अंबेडकर जी जो थे वो 370 के पक्ष में नहीं थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 370 जो आर्टिकल रहा वो 5 अगस्त 2019 को सरकार ने उसे हटा दिया था, एक ऐतिहासिक निर्णय जो था वो सरकार का था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर का दोहरा दर्जा जो था वो समाप्त हो गया। ना वहाँ दो संविधान होंगे, ना वहाँ दो नागरिकता होगी, ना वहाँ के दो झंडे होंगे। ये दोहरी व्यवस्था को समाप्त करके पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्से के तौर पर स्थापित कर दिया गया था और उसे यूनियन टेरिटरी का भी दर्जा दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दर्जे को दोबारा से राज्य के दर्जे में बहाल करने की बात भी कही है। कब? आज ही के समय पे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने यह निर्णय दिया है। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी ने 370 धारा का जब नेहरू जी व्यवस्था कर रहे थे उसका विरोध किया था और उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया है। अंबेडकर जी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने संविधान के पूरे प्रारूप को निर्धारित किया था, इसलिए हम अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं, संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1951 में जिन्होंने क्या किया कि कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू कोड बिल को लेकर मतभेद हो गया था और इन्हें अच्छा नहीं लगा, इन्होंने त्याग पत्र दिया। 1890 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। कई पत्रिकाएं हैं जो अंबेडकर जी ने लिखी जिसमें 1920 की मूक नायक है, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में और जनता 1930 में, ये पत्रिकाएं हैं अंबेडकर जी की। अंबेडकर जी कई संगठनों से भी जुड़े थे जिनकी उन्होंने स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा अंबेडकर जी ने 1923 में बनाई, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में बनाई और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाई। ये सभी के सब इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को से मान्यता मिली। दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थिति जो है उनको अपनी सूची में शामिल करता है, जिसके बाद उसको स्पेशली ध्यान दिया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर अमुक जो बोल सकते हैं कि कुछ आपकी श्रेणियां हैं, विरासत हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, जिसमें गुजरात के गरबा को शामिल किया। देखिए संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होता है कौन? यूनेस्को। इसकी 18वें सत्र की बैठक जो है अंतर सरकारी समिति की वो कहाँ हुई है? बोत्सवाना में हुई है और इसी में आधिकारिक तौर पर भारत के डांडिया गुजरात को जो है हमारा वहाँ के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मतलब जो मूर्त रूप में दिख नहीं सकता, अगर हम ताजमहल की बात करेंगे वो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अमूर्त मतलब जो दिख नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसी विरासत को भी ये संरक्षित करते हैं, तो उस विरासत की सूची में गरबा को शामिल किया है और ये भारत का 15वीं सांस्कृतिक धरोहर है। अमूक रूप पे हम देखें तो मतलब 14 हो चुके थे, ये 15वां है। अब गरबा नृत्य क्या है? तो गरबा नृत्य दोस्तों गुजरात में चलता है, एक लोक नृत्य का रूप है गुजरात के। इसमें संस्कृत शब्द है गर्भ, इसी से इसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है और इसका अर्थ होता है जीवन या सृजन। यहां देखिए कि जो गरबा है वो नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक चलने वाला एक पर्व होता है, जिसमें केंद्र में माता जी की मूर्ति रखते हैं, उनकी तस्वीर रख सकते हैं, आप किसी दीपक को जलाकर रख सकते हैं और फिर उसके चारों तरफ घूम घूम कर नाच किया जाता है। इस प्रकार से गरबा होता है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न होता है, मातृ देवियों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति आदर सम्मान को भी दर्शाया जाता है। जिस प्रकार से एक एक बीच सेंटर में आप माता जी की 9 देवियां जो उनका अलग अलग स्वरूपों को वहां पर रखकर उसके चारों तरफ प्रतिक्रमण करते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप पूरे ब्रह्मांड में आदि शक्ति को महत्व दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में आदि शक्ति विराजमान है और सारे के सारे ग्रह नक्षत्र सब उसके आसपास घूम रहे हैं। तो इस उद्देश्य से
उनकी प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को देखें, ये है क्या, तो इसमें बोल सकते हैं कि प्रथाओं को, प्रतिनिधित्वों को, अभिव्यक्तियों को, ज्ञान को, कौशल को, स्थानों को शामिल किया जाता है। किसको, या तो उसको कोई समाज, या उसको कोई व्यक्ति, या किसी व्यक्ति का समूह सांस्कृतिक विरासत के रूप में उसको समझता है। तो कब से, 2003 में यूनेस्को में इसको अपनाया गया था। इसके बाद से हर साल इसमें किसी न किसी को शामिल करते हैं। इस अमूर्त सूची में क्या क्या शामिल हो सकता है, भाषाओं को शामिल कर सकते हैं आप, मौखिक परंपराओं को शामिल कर सकते हैं, साहित्य को शामिल कर सकते हैं, कविता को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदर्शन कलाओं में संगीत, नृत्य और रंगमंच को शामिल कर सकते हैं। सामाजिक प्रथाओं में रीति रिवाज और उत्सव को शामिल कर सकते हैं। अगर प्राकृतिक और ब्रह्मांड से संबंधित है तो ज्ञान को और उससे संबंधित कोई भी क्रिया आप करते हैं उसको शामिल कर सकते हैं। पारंपरिक शिल्प हो सकती है कोई भी, और जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो, बुनाई या धातु कर्म हो, किसी को भी आप शामिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा किसके तहत, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। ठीक है, अगर हम देखें तो भारत में नया नहीं है, भारत में ये 15वां गुजरात का गरबा है, मतलब 14 पहले से हो चुके थे। तो देखिए, कुटियाट्टम जो है संस्कृत रंगमंच है, केरल का 2008 में इसको घोषित किया था। वैदिक जप की परंपरा को 2008 में शुरू किया था, पूरे भारत में ये चलती है। रामलीला पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर इसका समय समय पर प्रदर्शन होता है, 2008 में हुआ था। रम्माण, जो रम्माण है दोस्तों, गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में होता है, जिसको 2009 में शामिल किया गया था। ये याद रखिएगा कि छऊ नृत्य जो है बंगाल का है, 2010 में इसको शामिल किया गया था। कालबेलिया राजस्थान का है, इसको 2010 में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें मुद्दी एटू केरल का है, 2010 में इसको शामिल किया गया था। लद्दाख का बौद्ध जप है, लद्दाख में 2012 में शामिल किया गया था। संकीर्तन, गायन करते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, मणिपुर का है, 2013 में शामिल किया गया था। जंडियाला गुरु या बर्तन बनाने का जो है पारंपरिक शिल्प है, व्यवस्था है, उसको आप पंजाब में देखते हैं, 2014 में शामिल किया गया था। नवरोज त्यौहार पारसियों का त्यौहार है, पारसियों का नववर्ष होता है, 2016 में इसको शामिल किया गया। योग जो है दोस्तों, उसको 2016 में शामिल किया गया। कुंभ का मेला 2017 में इस सूची में शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा बंगाल का 2021 में इसको शामिल किया गया है। और गरबा को 2023 में शामिल किया गया, मतलब इसके पहले दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये इनके राज्य, ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा दुर्गा पूजा किस राज्य का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है या नृत्य समारोह है, बंगाल का है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हमने करंट अफेयर के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व किया। आशा करता हूं कि यहां से कई सारे प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।